हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पर एडियाबेटिक का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या रहेंगे, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में के बीच में। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंडक्टिंग नहीं होगा, यानी कि एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। तो वर्क डन तो आप लोगों को पता ही है ना। अब क्या कहते हैं हम लोग, एक आइडियल गैस लेते हैं और एन मोल का आइडियल गैस लेते हैं और वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, है ना। और उस गैस को हम लोग एक्सपांड करने के लिए छोड़ देते हैं और मान लीजिए एक्सपांड करने पर V1 से V2 तक क्या चेंज आया, है ना, तब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, PdV होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आया इसलिए हम लोगों ने DV से लिखा। कहाँ से कहाँ तक चेंज आया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, V1 से V2 तक लिमिट होगा। अब एक एडियाबेटिक रिलेशन था जो आप लोगों को क्लास 11th में ही मिल गए थे, है ना। एक एडियाबेटिक रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, यहाँ पर प्रेशर है वॉल्यूम है, तो ये दोनों के बीच में एक एडियाबेटिक रिलेशन है। वो क्या है, PV गामा इज इक्वल टू K, जहाँ पर K क्या है, कॉन्स्टेंट है, और गामा क्या है, CP/CV। CP का मतलब क्या है, वो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। CV का मतलब क्या है, मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में स्पेसिफिक हीट का कैपेसिटी का कितना वैल्यू होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग, पी को अलग कहते हैं, यानी कि इसमें से जो भी पी का वैल्यू निकलेगा वो हम यहाँ जाके पुट कर देंगे, यानी कि PK/V, है ना। ये वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब ये जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएंगे, K/V, DV। तो यहाँ पर K कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर रख दीजिए, V1 से V2 तक इंटीग्रेट करेंगे और V-γ dV, है ना। V को गामा को हम लोग ऊपर ले रहे तो -γ हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली इसे इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, V-γ+1 और नीचे भी -γ+1 और लिमिट V1 से V2 तक। अब एक बार V2 लिख देंगे और एक बार V1 लिख देंगे, है ना। 1-γ को हम लोगों ने बाहर रख दिया है, ना, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/1-γ और ये जो K है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे जब नीचे लाएंगे हम लोग तो ये माइनस को कॉमन लेंगे तो -γ-1 होगा और नीचे लाएंगे तो ये माइनस से हट जाएंगे, यानी कि V2γ-1 - V1γ-1 K। तो यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग को पता है कि P1V1γ = P2V2γ = K। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, K के जगह पर एक बार P2V2 लिखेंगे, K के जगह पर एक बार P1V1 लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला हम लोग के पास आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से V2γ और V2γ-1 ये कैंसिल आउट होकर V2 हो जाएंगे और V1γ V1γ-1 ये कैंसिल आउट होकर V1 हो जाएंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है, है ना। और एक रिलेशन हम लोग को पता है कि P1V1 = NRT1 और एक रिलेशन पता है P2V2 = NRT2, इसका भी यूज हम लोग करने वाले हैं, है ना। P2V2 के जगह पर हम लोग NRT2 लिख देंगे और P1V1 के जगह पर NRT1 लिख देंगे। NR को कॉमन ले लीजिए, है ना, नीचे 1-γ को आप लोग माइनस कॉमन लेके γ-1 भी लिख सकते हो, तो T1-T2 अंदर आ जाएंगे, है ना। तो ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी डाउट आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।